गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं एडवोकेट कैलाश सैनी। सभी दोस्तों को कानून की आवाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और अगर जो भी नए व्यूअर्स है जो मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वो साइड में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है लाल बटन, उसको सब्सक्राइब कर ले, और जो उसके ऊपर बेल आइकन है उसको दबा ले, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेकिन सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को जो भी नए व्यक्ति जो लीगल जानकारी जानना चाहते हैं वो इसके अवश्य सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में लीगल जानकारी बहुत ही जरूरी है, कानूनी जानकारी बहुत जरूरी है। दोस्तों चलो इस वीडियो की शुरुआत से पहले सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर कोर्ट में केस चलता है या कोर्ट में चालान पेश होता है तो उसको एक वकील चुनना पड़ता है या वकील बनाना पड़ता है। दोस्तों उसके बीच में अगर क्लाइंट और वकील के मध्य अच्छा संबंध नहीं होता है तो क्या क्लाइंट अपना वकील चेंज कर सकता है, किस प्रकार से वह अपना वकील चेंज करेगा, दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी प्राप्त करूंगा। लेकिन सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों मान लो कोई अगर 343 या कोई से भी धारा में चालान पेश हो रहा है तो उस वक्त अपन वकालनामा पेश करके वकील बना के चालान को पेश करवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों बाद गुजरने के बाद जैसे एविडेंस आती है उसमें अपन लेट करते हैं, या उसमें जो प्रतिवादी या मुलजिम है उसके और वकील के मध्य अच्छे संबंध नहीं होते हैं तो प्रतिवादी या मुलजिम सोचता है कि मेरा वकील अच्छा नहीं है तो मैं वकील चेंज कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों वकील चेंज करने का प्रोसेस होता है कि जब तक वकील से कितने पैसे में बात किए कितने में नहीं किए, जब तक वकील को आप पूरे पैसे नहीं देंगे जब तक आप वकील चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ये पूछती है कि आप के वकील से जब तक नो ऑब्जेक्शन नहीं लिखोगे जब तक दूसरा वकील अपॉइंट नहीं होगा, ये यही क्वेश्चन दूसरा वकील पूछेगा। इसलिए दोस्तों किसी भी वक्त किसी भी समय आप वकील तो चेंज कर सकते हो, लेकिन वकील के द्वारा किसी भी दूसरे वकील को बनाना पड़ेगा जब तक आप जो वकील का वकालनामा होता है उसे पेश करना पड़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप वकील को बना रखे उस केस में तो उस वकील को हटाने के लिए आपको दूसरे वकील को बनाने के लिए उसके वकील ये कहेगा कि आप उससे पहले उस वकील साहब से नो ऑब्जेक्शन लिखवा के लाइए जब भी आप का वकील मैं बन सकता हूं। लेकिन दोस्तों जब वो वकील अगर नो ऑब्जेक्शन नहीं लिख के दे रहा है तो आप क्या करोगे? दोस्तों नो ऑब्जेक्शन नहीं लिख के दे रहा है तो पहले तो वकील से मुझे कि हम आपके पैरवी से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वकील साहब हम इस केस में दूसरे को वकील चुनना चाहते हैं। लेकिन वकील साहब ने जो पीस है वो दे दो, देखे वकील से नो ऑब्जेक्शन लिखो, आप दूसरा वकील चुन सकते हैं, और किसी भी केस में किसी भी स्टेज पे आप दूसरा वकील चेंज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों वकील चेंज करना आसान है, लेकिन आप उस केस में पहले नो ऑब्जेक्शन लिखवाना पड़ेगा जब भी दूसरा वकील बन पाएगा। इसलिए दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।